2014 से लेकर आज तक महिलाओं के संदर्भ में मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े नारे हमें सुनाए। उन्होंने कहा बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। सरकार बन गई, महिलाओं ने विश्वास किया, सोचा कि ये दिन बदल जाएंगे, शायद सच में अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर उन्होंने एक और जुमला छोड़ा, वो जुमला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज परिस्थिति ये है 5.5 साल की सरकार के बाद कि इस देश की जनता, इस देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए कह रही हैं कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं से बेटी बचाओ, उसके बाद कर बात करना कि बेटी पढ़ाओ। ये आज 21वीं सदी में भारत की सच्चाई है कि इस देश की महिलाएं, इस देश की बेटियां, इस देश की बहनें, इस देश की औरतें आज एक डर के साए में जीती हैं। घर के अंदर डर है तो घर के बाहर डर है, सुनसान रास्ते पे चलने का डर है तो भीड़ से गुजर जाने का डर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें भीड़ में खड़े होने का डर है तो अकेली गाड़ी और स्कूटी चलाते हुए कोई धर पकड़ ना कर ले, इसका डर है। आज स्टैटिस्टिक्स, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के आंकड़े हैं, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा उन आंकड़ों की भेंट चढ़ चुका है। और लगातार ये प्रेस, ऐसी प्रेस वार्ता करते हुए, उन आंकड़ों को आपके सामने रखते हुए मन में टीस उठती है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये बात करनी पड़ती है हमें। एक और उन्नाव में ऐसी घटना हुई, क्या हम भूल गए थे सेंगर को? क्या हम भूल गए थे कि किस तरह से रेप पीड़िता के पिता को आत्महत्या करनी पड़ी पुलिस कस्टडी में? क्या हम भूल गए कि उस लड़की को न्याय की गुहार मांगते हुए अपने आप को जलाने की कोशिश करनी पड़ी? उसके बाद ये एक और घटना होती है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये साबित क्या करती है? ये घटना साबित करती है कि अगर ये रक्षक सरकार भक्षक ना बन गई होती, अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार साम दाम दंड भेद के साथ सेंगर को संरक्षण देने में ना लग गई होती, तो ऐसे अपराधियों का इकबाल ना बढ़ता, हौसला ना बढ़ता, ये दूसरी उन्नाव की घटना ना होती। कितनी और निर्भया का इंतजार करते रहेंगे हम? कितनी और उन्नाव जैसी बेटियां जो कि जिंदा जलाई जाती हैं या खुद को जलाने के लिए मजबूर हैं, इनका रास्ता हम देखते रहेंगे? मैं तो चाहती थी कि आज की प्रेस वार्ता शुरू हो सबसे पहले इस देश की बेटियों को संबोधित करते हुए और ये कहते हुए कि उन्नाव में जिस तरह से 90% जला दी गई ये लड़की, चाकू मारा गया पहले, फिर जलाया गया, फिर वो भागी पुलिस स्टेशन की तरफ कि शायद मैं बच जाऊं, जब तक उसे आग बुझाई गई वो 95% जल चुकी थी। ये दिल को दहलाने वाली घटना है, मन को कचोटने वाली घटना है, पर मैं कहना चाहती हूं कि अंधेरा जितना घना हो सुबह उतनी बेहतरीन होती है। मैं गुहार लगाना चाहती हूं इस देश की बेटियों से कि हिम्मत ना हारे, हौसला ना हारे। जुल्म कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, जुल्म मिटता है, अत्याचार मिटता है, और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में, इस मुहिम में, इस देश की बेटियों के साथ, तन मन धन के साथ, उनके कंधे से कंधा, आवाज से आवाज और कदम से कदम मिलके चलने को तैयार है। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछती रही कि आखिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों में ही सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। इसका ताल्लुक, पहला तो मैंने आपको बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय अगर अपराधी आप ही की पार्टी का है तो उसे संरक्षित करिए, ये किसका हौसला बढ़ाएगा? अपराधियों का हौसला बढ़ाएगा। और दूसरे, इनकी विचारधारा, वो विचारधारा जो हमेशा से महिला विरोधी ही रही है, वो विचारधारा जो चाहती है कि महिलाएं, या तो एक महिलाओं के लिए हमेशा एक परिधि खींच दी जाए, एक रेखा, और उसके पीछे उन्हें समेट कर रहना पड़े। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, मुझे खुशी नहीं होती है बताने में, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि वो इस देश की जनता की भी आंख खोलते हैं। 3,60,000 से ज्यादा एक साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, यानी कि करीब करीब 986 अपराध महिलाओं के खिलाफ देश में रोज होते हैं, 1,000 अपराध। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं प्रदेशों में वहां पर है। उत्तर प्रदेश में 2017 में 56,011 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। राजस्थान 2017 में जब भाजपा की सरकार थी 25,993 अपराध होते हैं। मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी 29,788 आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं।
महाराष्ट्र में 31,979 मामले होते हैं, हरियाणा में 11,370 मामले दर्ज होते हैं। और ये तो वो मामले हैं जो दर्ज होते हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं जो महिलाएं कानून के दरवाजे तक लेकर पहुंच भी नहीं पाती। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए, जैसा कि आमी जी ने भी कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रति कन्या 5 पैसे का आवंटन होता है बजट में। निर्भया का जो फंड है 885 करोड़ का, माफ कीजिए 3600 करोड़ का, उसमें 800 करोड़ रुपया खर्च कर पाती है सरकार। मेनका गांधी ने खड़े होकर इसी संसद के सदन पर कहा था कि वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बनाए जाएंगे, हर प्रदेश में खुले होंगे। आप सभी जो यहाँ पर प्रेस कर्मी बैठे हैं, कितने वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर आपने देखे हैं? मुझे बताइए, क्या एक भी देखा है आपने? निर्भया का फंड दिल्ली में, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार तो है, मोदी जी की भी सरकार है आधी, और उसी का द्वंद्व चलता रहता है, इसीलिए दिल्ली भी पिस रही है। वहां 5%, स्वाति मालीवाल DCW की चेयरपर्सन है, अनशन पर बैठी हैं, ये नहीं बता पाएंगी कि केवल निर्भया फंड का 5% पैसा ही क्यों इस्तेमाल किया गया, बाकी क्या हुआ। तो महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं के सशक्तिकरण को ये सरकार हाशिए पर लगातार खिसकाती जा रही है। ये अहम मुद्दा है ही नहीं, ये घटनाएं हाल ही की, मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहूंगी। चिन्मयानंद, उसके ऊपर भी मैंने एक प्रेस वार्ता की थी, तो जो आरोपी है वो कहेगा मैं बीमार हूं और अस्पताल जाएगा, और वो पीड़िता जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलेगी वो हमेशा जेल जाएगी या तड़पाई जाएगी या शोषित की जाएगी, उसी का उदाहरण है। हरियाणा में पिछले 10 महीनों में 1396 रेप हुए हैं, 150 सामूहिक बलात्कार हुए हैं, गैंग रेप्स। दिल्ली में, जहां पे प्रधानमंत्री जी स्वयं रहते हैं, जहां पर गृहमंत्री जी स्वयं रहते हैं, वहां 2019 में ही 1947 रेप की घटनाएं दर्ज हुई हैं। बिहार, जहां पर तथाकथित गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां 34 स्कूल की छात्राओं पर 24 लड़के मिलकर एसिड अटैक करते हैं, तेजाब फेंक देते हैं उन लड़कियों के मुंह पर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। मैनपुरी नवोदय विद्यालय में छात्रा का शव छात्रावास में मिलता है, यह हाल ही की घटना है, जब उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है उसके बाद। और सुप्रीम कोर्ट, सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जस्टिस रंजन गोगोई के बेंच ने बोला था कि 45 दिन में ट्रायल खत्म होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहती हूं कि ये 80 दिन हो गए ट्रायल खत्म नहीं हुआ, कि किस रफ्तार से न्याय की प्रक्रिया चल रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर लगातार एक्सपेडाइटेड जस्टिस औरतों को नहीं मिलेगी तो वो कितने लंबे समय तक लड़ सकती हैं इतने प्रतिकूल वातावरण में, ये हम जानना नहीं चाहते। मोदी जी जो बहुत ही प्रखर और मुखर वक्ता हैं, बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, वो खामोश हो जाते हैं। संसद में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि किसी भी तरह की कोई बात रखना नहीं चाहता है, कोई सफाई नहीं देना चाहता है, कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। आज स्मृति ईरानी जी को बहुत ईस उठ रही है मन में कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो गया, यहाँ लड़कियां बलात्कार के बाद जिंदा जलाई जा रही हैं, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से माफी मांगने के लिए नहीं बोला उन्होंने, नहीं कहा उन्होंने कि पीड़ितों के परिवार के साथ मेरी संवेदना है, नहीं कहा उन्होंने कि मैं दर्द बांटना चाहती हूं। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर दलगत राजनीति होती है। ये आरोप लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि भाई देखिए राजनीतिकरण ना करें, मैं बोलना चाहती हूं। राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता ने जिस राजनीतिक दल को प्रतिनिधि बनाकर सरकार में बिठाया है, उसका राजनीतिक दायित्व जरूर होना चाहिए। और महिला सुरक्षा के मामले में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों जो प्रदेशों में है और मोदी सरकार के राजनीतिक दायित्व को ललकारती है, और ये कहती है कि उन्नाव जैसी घटना जब तक होती रहेंगी, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक हमेशा मैदान में रहेगी, लोहा लेती रहेगी सरकार से, और इस निरंकुश सरकार के ऊपर लगाम कसने का काम भी हम करेंगे, हमने बहुत सी बार ये सिद्ध करके दिखाया है। और मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहती हूँ कि कद्र अब तक हमारी तारीख ने जानी ही नहीं, हम में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, हम हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
हमारी हस्ती ही है एक चीज, जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है हमें, जुल्म को हराकर आगे और आगे बढ़ना है हमें। इस देश की महिलाओं को ये संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, महिलाओं को के हौसलों को पस्त नहीं होने देंगे और अपराधियों के हौसलों को बुलंद नहीं होने देंगे। जय हिंद।